आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश चड्ढा नूं कोविड संबंधी जारी कीतिया हिदायतों की उलंघना अते बिना प्रवानगी तो रैलियां यानी इकट्ठ करन दे लई रिटर्निंग अफसर रूपनगर गुरविंदर सिंह जौहल ने कारण दसो नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर अंदर स्पष्टीकरण देने दे आदेश दिते ने। इस बारे जानकारी दिंदया रिटर्निंग अफसर ने दसिया है कि दिनेश चड्ढा की फेसबुक आई डी तो पता चलता है कि उन्हां वल्लों चोण कमीशन भारत वल्लों जारी कोविड रिवाइज्ड ब्रॉड गाइडलाइनस 2022 हदायतों की उलंघना की गई है और पिंड लालपुरा नूरपुर बेदी विखे लोगों का भारी इकट्ठ किया गया है। इस तो इलावा बाबा बालकनाथ मंदिर कनौली विखे भी चोण कमिश्नर वालों निर्धारित गिणती तो ज़्यादा लोगों का इकट्ठ किया गया है। आप पार्टी के उम्मीदवार वालों बिना किसी पूर्व प्रवानगी दे अजिहे इकट्ठ करना चोण जाबते की सरासर उलंघना है। चोण कमिशन वालों जारी आदेश अनुसार 15 जनवरी 2022 तक अजिहे इकट्ठ करने की मनाही है। जौहल ने अगे दसिया कि चोणों की अनाउंसमेंट तो चोणा मुकम्मल होने की 2 मार्च 2022 तक चोण जाबता लागू रहेगा। जेकर कोई व्यक्ति आदर्श चोण जाबते की कोविड प्रोटोकॉल की उलंघना करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आदर्श चोण जाबते संबंधी जारी दिशा निर्देशों तहत बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लियांदी जाएगी। सो इस प्रकार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को चोण कमीशन वालों कारण दसो नोटिस जारी किया गया है। अक्सर आम आदमी पार्टी वालों दूजिया रिवायती पार्टियां ते इल्जाम लगते ने अते कुछ दिन पहला ही राघव चड्ढा वालों इल्जाम किसानों की पार्टी ते लगाया गया सी कि चोण कमीशन वालों फ्लैक्सीबल होकर उन्होंने वध समा दिता जा रहा है ता जो वह अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकन। ते हुण आम आदमी पार्टी के ही कारकुनां वालों चोण कमीशन दीआं हिदायतां दीआं धज्जियां उड़ाईआं जा रहीआं ने। किस प्रकार देखते हो तुसी इस खबर नूं? अपने विचार तुसी सानू कमेंटा राही जरूर दसना। देश अते दुनिया नाल जुड़ियां हर प्रकार दीआं खबरां लई सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल अते फॉलो ते लाइक करो साडा फेसबुक पेज ता जो सियासत अते पंजाब नाल जुड़ी हर अपडेट तुहानू समें ते मिलदी रहे।